अगर आपको इस तरीके से वीडियो बनाना है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं इस तरह के वीडियो। उसमें लाइट लगाते हैं, नाम लिखते हैं। तो सिंपली अपने काइन मास्टर में आ जाना है आपको। आने के बाद में यहाँ पे अपना साइज चूज कर लेना है, क्योंकि 16.9 चुनने वाला हूँ। यहाँ पे अपना एक बैकग्राउंड ले लेना है जो भी काला कलर का। लेने के बाद में यहाँ पे अपने साइज मिला लेना है। उसके बाद में टेक्स्ट लिखेंगे, जो आपको लिखना हो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आए, या किसी गाने पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। लिखने के बाद में इसको साइज में अपने कर लेना, जितना बड़ा चाहें जितना छोटा चाहें उसके अपने साइज से कर लेना है। करने के बाद में आप फॉन्ट में आ जाना, जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट को ले लेना है आपको। तो मुझे ये वाला फॉन्ट सबसे अच्छा लगा, इसको मैं चूज कर लिया हूँ। और इसको अपने साइज में करने के बाद में आपको इस एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। मैं आपको यहाँ पर कुछ इफेक्ट लगा देना है, एनिमेशन डाल देना है। तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, ये अच्छा नहीं है। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। फिर यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद में फिर होम स्क्रीन पे आ जाना है। फिर यहाँ पे नोड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप। नोड एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके, फिर यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके, वीडियो पे क्लिक करके अपना वीडियो जो बनाया है उसको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे कुछ साइज इस तरह का देख लेता हूँ। सर्च करने पे यहाँ पे ग्लू लिख देना है आपको। यहाँ ग्लू पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे अपने जो आपको कलर, यहाँ पे लाल है, मैं यहाँ पे लाल कुछ इस तरह का कर लेता हूँ। आप जो भी कलर चाहे, जो आपको अच्छा लगे वो कलर कर सकते हैं। तो मुझे आप ये कलर मैं चूज कर रहा हूँ, जो अच्छा लगता है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो चाहे जो अच्छा कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कलर को लेने वाला हूँ। फिर यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर लेना है, देख लेना है कैसे क्या अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरीके से इस पर चेक कर लेंगे आप, ऊपर नीचे कर कर चेक कर लीजिएगा कैसे आ रहा है वीडियो। तो ये मैं यहाँ पर इतना करने वाला हूँ। हो जाने के बाद में यहाँ पर एक तीर का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पर आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में मैं यहाँ तीर के एक्सपोर्ट कर देंगे, वीडियो आपका बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर आप किसी भी वीडियो में जाकर ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन पर कर देंगे तो आपका ये ब्लैक स्क्रीन हट जाएगा और बल्कि अच्छा दिखने लगेगा एक्सपोर्ट होने के बाद में। यहाँ पे ओके सक्सेस हो गया है।